जहां पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण नियुक्ति विभाग का आदेश नहीं मानते हैं। दरअसल 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक वो छुट्टी पर गए तो उन्होंने शासन के आदेश की ही अवहेलना कर दी, नाफरमानी कर दी। नियुक्ति विभाग की तरफ से प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश को उन्होंने अपना पूरा चार्ज दिया गया था। नरेंद्र भूषण ने सचिव अजय चौहान के लिए आदेश जारी कर दिया। पूरे नौकरशाही में नरेंद्र भूषण के इस कांडे में की चर्चा इस वक्त हो रही है। शासन और नियुक्ति विभाग के आदेशों की नरेंद्र भूषण धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शासन और सरकार से ऊपर है नरेंद्र भूषण, जो लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। इससे पहले भी वो चर्चा में रह चुके हैं। पहले भी विभाग में जब ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी तो उस वो कांड को लेकर के पूरे सरकार की उन्होंने किरकिरी कराई थी नरेंद्र भूषण ने, और अब एक बार फिर से शासन का जो शासनादेश होता है, जो नियम होते हैं, उनको कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र भूषण नजर आए हैं। अब शासन का आदेश न मानकर एक बार फिर से दोबारा वे नरेंद्र भूषण चर्चा में आ गए हैं। रेजिडेंट राइटर मनीष पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, नरेंद्र भूषण एक चर्चा अब कहीं ना कहीं उनके नाम पर होती ही रहती है, चाहे वजह कोई भी हो। इससे पहले वजह रही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और अब जब वो छुट्टी पर गए तो अपना जो पूरे कार्यभार था वो किसी और को सौंप गए, जबकि नियुक्ति किसी और की हुई थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक तरह से एक बकायदे नियमावली है, नियम कानून है। जब भी कोई प्रमुख सचिव स्तर का आईएएस अफसर छुट्टी पर जाता है तो बकायदे उसकी जो छुट्टी होती है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मंजूर होती है, और बकायदे नियुक्ति विभाग आदेश जारी करता है कि उनकी गैरहाजगी में कौन सा अफसर होगा जो उनके गैर मौजूदगी में उस विभाग का कामकाज देखेगा। ऐसा हुआ कुछ नरेंद्र भूषण के मामले में। हालांकि जब से प्रमुख सचिव में पीडब्ल्यूडी उन्हें बनाया गया है, तब से पीडब्ल्यूडी लगातार विवादों में रहा है, लेकिन एक नया विवाद और जुड़ गया है इस छुट्टी वाले मामले लेके। बकायदे नियुक्ति विभाग ने जो आदेश जारी किया उसमें साफ तौर से उन्होंने लिखा कि प्रमुख सचिव आवास जो नितिन गोकर्ण रमेश हैं, वो उनकी गैर मौजूदगी में विभाग का कामकाज देखेंगे। 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो 10 दिन के बीच में जो भी कामकाज होगा वो नितिन गोकर्ण रमेश देखेंगे। लेकिन अब अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र भूषण साहब कितना सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, किस तरीके से पालन करते हैं। उन्होंने एक दूसरा आदेश जारी कर दिया और उस आदेश में उन्होंने लिखा कि उनके गैर मौजूदगी में जो सचिव है लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, वो उनका कामकाज देखेंगे। हालांकि 2 दिन पहले प्रमुख अजय चौहान भी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हो गए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ एक ऐसा जिम्मेदार अफसर जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से मुख्य सचिव और नियुक्ति विभाग और शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। जब नियुक्ति विभाग की तरफ से कह दिया गया कि उनकी गैर मौजूदगी में नरेंद्र भूषण पीडब्ल्यूडी का कामकाज देखेंगे, तो उन्हें ये आदेश जारी करने की क्या जरूरत थी कि अजय चौहान उनकी गैर मौजूदगी में सारा काम देखें। हालांकि सचिव स्तर के अधिकारी थे, विभाग में थे, विभाग के बाकी कामकाज जरूर देखते, लेकिन उन्होंने अपना चार्ज भी अजय चौहान को दिया। तो जाहिर तौर पर ये निश्चित रूप से नाफरमानी है, नाहुकबरानी है, और ये एक तरह से दर्शाता है कि किस तरीके से प्रमुख सचिव साहब जो है, जो चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, जो शासन की नियुक्ति विभाग का आदेश है, उसको कितने किस तरीके से उसका अनुपालन करते हैं और अपने आप को सुपर बहुत समझते हैं कि उनके ऊपर न तो सरकार है, न तो शासन है, न तो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं। जो चाहेंगे वही होगा उस विभाग में। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष।